अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टूल स्टेशन डॉट कॉम डॉट पी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए टूल स्टेशन पाकिस्तान को, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए। इन वीडियोस को बनाने का मकसद यही है कि हमारी वेबसाइट पर जो दिखता है वही बिकता है। नॉर्मली लोगों का ऑनलाइन स्टोर्स के बारे में ये शिकवा होता है कि जो पिक्चर्स में दिखाते हैं वो भेजते नहीं, लेकिन हमारी वेबसाइट पे हमने ये वीडियोस वाला जो सिस्टम स्टार्ट किया है वो इसीलिए किया है ताकि जो चीज़ हम आपको दिखाएं पिक्चर्स में वही उनकी वीडियोस भी दिखाएं, ताकि कस्टमर के माइंड में किसी किस्म का कोई डाउट ना हो। आज हम जिस चीज़ का रिव्यू कर रहे हैं वो है हमारे पास बहुत काम की चीज़, घरों में पेंट यूज़ करने के लिए ऑयल पेंट, डिस्टेम्पर, या फिर आजकल जैसे आपको सबको पता है कोरोना का स्प्रे करने के लिए, या कोई भी आपने स्प्रे करना हो इसे तो आप इसे कर सकते हैं। ये हमारे पास पेंट जूम ब्रांड की ओरिजिनल मशीन है। ये एट अ टाइम इस टाइम हमारे पास 7-8 मुल्कों में और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये चीज़ यूज़ हो रही है। जैसे कि आपको पता है कि पेंटर्स हजरात बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो नॉर्मली इंसान ने कोई एक दीवार भी करनी हो तो पेंटर के पीछे पीछे भागना पड़ता है। ये पेंट मशीन उन लोगों के लिए है जो खुद काम कर सकते हैं और काम करना जानते हैं। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी या बहुत हैवी मशीनरी देने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी कॉम्पैक्ट सी पेंट मशीन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि इसकी तस्वीर में दिखाया गया है कि आप इसे ऑयल पेंट भी कर सकते हैं, आप इसे दीवारों को डिस्टेम्पर भी कर सकते हैं। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं हमें अनबॉक्सिंग करके क्या मिलता है इस पेंट मशीन के अंदर। इस पेंट मशीन के साथ हमें दिया जाता है एक अदद फ्लेक्सिबल पाइप, एक कंप्रेसर पंप, एक स्प्रे गन। अच्छा, नॉर्मली जो फेक पेंट जूम्स होती हैं उनकी जो स्प्रे गन्स हैं वो बहुत लो क्वालिटी की होती हैं। इसकी जो स्प्रे गन है वो आपके सामने वीडियो में काफ़ी अच्छी और फाइन प्लास्टिक की बनी हुई है। एक अदद कप, मेजरिंग कप कहते हैं इसको हम लोग, साथ एक बेल्ट ताकि इसको हम लोग कंधे के ऊपर हैंग कर सकें, और ये मैनुअल और ये पेंट क्लीनिंग पिन है हमारे पास। अब हम इसको असेंबल करके आपको दिखाएंगे। असेंबलिंग के लिए सबसे पहले आपने इस गन को बॉक्स के अंदर, अपने को पेंट है या ऑयल है इस हिसाब से इसके ऊपर मेजरिंग जो यूनिट्स हैं वो लिखी गई हैं। ये 800 ml तक मैक्सिमम कैपेसिटी का कप है। अब इसमें ऑयल या पानी वगैरह जो स्प्रे यूज़ करना है वो आप इसमें डालेंगे। ये रख लेंगे राइट। देन आप ये जो चीज़ बनी हुई है इसके लॉक्स बने हुए हैं, लॉक्स में लॉक्स को एडजस्ट करके आप थोड़ा सा राइट घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। देन आप इस चीज़ को दूसरे पार्ट को गन की बैक पे लगाएंगे, थोड़ा सा टाइट प्रेस करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। अच्छा, इसकी काफ़ी ज़्यादा लेंथ है, ऑलमोस्ट जो है वो 1.5 मीटर लेंथ है इस पाइप की। आप कंधे पे पहन लें इसको, उसके साथ जो बेल्ट दी हुई है उससे आप इसको कंधे पे पहन सकते हैं। बेल्ट को हम ओपन करते हैं। इस बेल्ट को ओपन करके हम लोग इस पे एडजस्टिंग का ऑप्शन है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कितना छोटा रखना कितना बड़ा। अब इन चीज़ों को, इन क्लिप्स को इसमें डालेंगे। ये बेल्ट डालने के बाद ये इजी टू कैरी हो जाएगा और हम इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, जब भी आपने इसमें पेंट डालना है तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कोशिश करनी है कि इससे डालें, क्योंकि ताकि कोई डस्ट पार्टिकल या कोई चीज़ है तो वो इजीली इसे क्लियर हो जाएगा। ये आपने कितनी इसकी जो थ्रो है वो सेट करनी है। जैसे कि इसकी थ्रो मैंने आपको वीडियो में पहले बताई है कि इसकी मल्टी थ्रोज हैं, यानी कि अगर आपने इसको कहीं पे पतला रखे स्प्रे करना है तो ये पतला भी स्प्रे कर सकता है, कहीं पे आपने इसकी वाइड कवरिंग करनी है या बड़ी दीवार है उस पर आपने रखना है तो ये उस पर भी एडजस्ट कर सकता है। ये इसका प्लस माइनस का ऑप्शन 7 है और ये इसको यहाँ पर रोक देगा पहले, ठीक है। ये जो चीज़ है बेसिकली हमारे पास कि कितना हमने इसे पेंट यूज़ करना है और कितना एयर यूज़ करनी है उसके लिए यूज़ होता है हमारे पास। अब हम आपको
इसको चला के दिखाएंगे और एक डेमो देंगे। अब हम आपको इसका लाइव डेमो करके दिखाएंगे एक सिंपल पानी से, क्योंकि पानी से ज़्यादा पतली कोई चीज़ नहीं होती। अगर इसे पानी स्प्रे कर दिया तो ये फिर ऑयल पेंट, डिस्टेंपर, सब कुछ ये पेंट कर सकता है। उसके लिए हमने थोड़ा सा पॉइंट पानी का फिलअप किया है, पानी के रख के सिंपल इसको टाइट करेंगे। अच्छा, इसको टाइट अपने अच्छा कर लेना ताकि ये एयर ना ले। अब हम इसको ऑन करके आपको पेंट करके दिखाते हैं। इसको ऑन करेंगे, मैंने आपको इस वीडियो के दौरान करके दिखाया है कि अगर आप इस चीज़ को मूव करेंगे तो स्प्रे की जो विड्थ है वो वाइड या नैरो होती जाएगी, तंग या खुली होती जाएगी। अब इस बटन से हम लोग ये बताएंगे कि हमने कितना पेंट का थ्रो ज़्यादा लेना है या कम लेना है, यानी कि इस मशीन में पेंट ज़्यादा जाए या कम जाए, वो हम इस बटन से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम यूज़ करके, जब यूज़ कर लें, इसको क्लियर कर लें, तो आपने इसको क्लीन करके साफ कर रखना है फॉर अ लॉन्गर यूज़। अब आप आपको एक दूसरा पॉइंट बता दूं, अक्सर लोगों का गीला होता है यानी गर्म हो जाती है। नॉर्मल सी बात है कि एक मशीन है छोटी सी, जब वो चलेगी तो वो गर्म तो होगी, लेकिन इसमें आपने परेशान होने वाली बात नहीं है। ये कॉपर की बनी हुई मोटर होती है इसकी, आपने इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये कंटिन्यूसली चलने देना है। अगर ज़्यादा हीट फील भी हो रही है तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्डर देने के लिए हमारे फेसबुक पेज toolstation.com.pk ये हमारी वेबसाइट विज़िट करें और हमारे यूट्यूब चैनल टूल स्टेशन पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।